नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट स्टॉक्स। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की बात करेंगे। MPPS का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। दोस्तों, मैंने इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गूगल में आपको करना है, MPPSC लिखना है। उसका सबसे पहले जो साइट है MPPSCNIC.in, तो इस पर आप क्लिक करिएगा। उसका ये देख सकते हैं, ये पेज ओपन होगा। तो आपको यहाँ पर जाना है एडमिट कार्ड के सेक्शन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड के सेक्शन पर आएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे, डाउनलोड एडमिट कार्ड थ्रू MP ऑनलाइन पोर्टल। तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं ये आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2018 लिखा है दोस्तों। यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 फरवरी से लेकर 18 फरवरी 2018 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे क्लिक करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद लॉगिन कर दीजिए, जिससे कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, इसकी डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड अगर ओपन नहीं होता है यहाँ से, तो आपको मैंने जो प्रोसेस बताई है उस प्रोसेस को फॉलो कर दिए, तो जिससे कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।